हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं उत्कर्ष साधो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विजडम मैथ एकेडमी पर। मैं आपके लिए आज स्क्वायर निकालने की एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक लेके आया हूं, जिसकी सहायता से आप दो डिजिट का स्क्वायर काफी आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम उस ट्रिक को समझते हैं। जब कभी आपको टू डिजिट के ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालना हो जो क्या हो 100 से कम हो, तो आप उसको कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं हमको निकालना है स्क्वायर 42 का। ठीक है, किसका स्क्वायर निकालना है? 42 का निकालना है। अच्छा, ये जो टाइप है वो हमारा है बेस 50 पर है। किस पे? बेस 50 पर। इसका मतलब वही समझाता हूँ आगे आपको। अगर आपको 42 का स्क्वायर निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे। ठीक, सबसे पहले आपको देखना है कि ये 50 से कितना कम है। ये 50 से 8 कम दिख रहा है हमको। ठीक है, अगर ये 50 से 8 कम है तो पहला स्टेप जो इसमें होगा, 25 में से हम उतना ही माइनस करेंगे जितना 50 से ये कम होगा। जैसे 50 से ये 8 कम है तो हम इसमें 25 से 8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 25 में से 8 माइनस करिए, अगर हम 25 में 8 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 17। और हम यहाँ क्या लिख देंगे, 17। फिर उसके बाद जितना कम है उसी का स्क्वायर आप कर दीजिए, 8 का स्क्वायर 64। ये आगे के इसका स्क्वायर आ गया। एक दूसरा नंबर ले लेते हैं। दूसरा नंबर हम मान के चलते हैं, हमारे पास ये दिया है 44 दिया है, और मान लेते हैं 47 दिया हुआ है, और अगर आपको नंबर लेना तो आप ले लीजिए 49 दिया हुआ है। ठीक है, इनका स्क्वायर कैसे निकालेंगे? ठीक इसी प्रकार निकालते हैं। तो स्पीड चलिए बढ़ाते हैं। अगर हम इसको देखेंगे तो ये 50 से 6 कम है, अगर हम इसको 25 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 19 आएगा। तो 19 और 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना है, 36 आ गया। कितना, 1936 आ गया। ये 50 से कितना कम है, 3 कम है, अगर 25 में से हम 3 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 22 और 7 का स्क्वायर 49। अच्छा, 25 में से 3 का स्क्वायर 9, 49 नहीं, 25 में से 3 माइनस किया 22 है और 3 का स्क्वायर किया 9 हो गया। ठीक इसी प्रकार ये 50 से 1 कम है तो 25 में 1 गया 24 और 1 का स्क्वायर करेंगे कितना, 24 1 आ जाएगा। ठीक, जस्ट इसी प्रकार आप 50 के ऊपर वाले नंबर का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ दिया 52 दिया हुआ है, 54 दिया हुआ है, 56 दिया हुआ है, 57 दिया हुआ है, और क्या दिया है, 59 दिया हुआ है। इसका भी स्क्वायर आप इसी के बेस पर निकाल सकते हैं, लेकिन जो यहाँ माइनस हो रहा था अब वहां वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ देखेंगे, ये 50 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो 50 में दे 25 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, वो 27 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये फाइनल आंसर आ गया। ठीक उसी प्रकार ये 50 से 4 ज्यादा है तो 25 में 4 जोड़े हैं, 29 हो गया, और 4 का स्क्वायर किया कितना हो गया, 16 हो गया। ठीक, अब इसको अपने ट्रिक से भी कर सकते हैं ऐसा, कि अगर हम 6 का स्क्वायर कर दे तो 36 हो गया, और ये 25 से 50 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, तो 25 में 6 जोड़ेंगे कितना जाएगा, 31 हो जाएगा। ठीक, चाहे आगे से आप स्क्वायर कहे, पीछे से आप स्क्वायर करके भी लिख के सॉल्व कर सकते हैं, और आगे से आप 25 में जोड़ कर भी सॉल्व कर सकते हैं। ये 25 से कितना ज्यादा है, ये लिखा 57 लिखा हुआ, 57 लिखा हुआ। ये 50 से कितना ज्यादा हुआ है, 7 ज्यादा है, तो 25 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा, 25 में 7 जोड़ेंगे 32, और 7 के स्क्वायर हो गया 49। ठीक इसी प्रकार 25 से 25 में 9 जोड़ दीजिए आप, 25 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 34, 9 का स्क्वायर 81। ठीक, आप और भी नंबर के स्क्वायर निकालने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक जैसे मैं और बता दूंगा आपको, जैसे आपको निकालना है किसका स्क्वायर, जैसे आप चले जाइए यहाँ पे, किसका 38 का स्क्वायर निकालना है, किसका 38 का स्क्वायर निकालना है, ये ट्रिक इस पे भी अप्लाई होगी। अब देखिए ये 50 से कम है या ज्यादा है, 50 से कम है तो 25 से नंबर क्या होंगे, माइनस होंगे। तो देखिए ये 50 से कितना कम है, 12 कम है, तो हम 25 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, और वहीं 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा। लेकिन 144 को हम केवल 10th डिजिट तक लिखेंगे और 100 वाले डिजिट कैरी कर देंगे। जैसे 144 आ रहा है तो हम लिखेंगे यहाँ 44 एक कैरी हो जाएगा इसके ऊपर, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 4 3 एक हो गया 4, और ये कितना हो गया, 1444, और 30 का स्क्वायर कितना होता है, 1444। एक और क्वेश्चन ले सकते हैं, एक ज्यादा वाले कर लेते हैं। जैसे हम मान लेते हैं ये दिया हमारे पास क्या, 62 दिया हुआ है,
ठीक, ये 50 से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है। अगर 50 से ये 12 ज्यादा है तो 25 में 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 25 12 हो गया हमारा कितना 37, और 12 का स्क्वायर फिर से कितना हो गया 144। इसको सॉल्व करेंगे 4 4 8 3 कितना आ गया 3 8 4 4। आप इसी प्रकार अपने से दो डिजिट का नंबर लेकर स्क्वायर निकालने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप आज की ये क्लास आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।